ओके, तो अगर आप भी इस तरह के चैनल आर्ट को बनाना चाहते हो 2 मिनट में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। मैं हवा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप 2 मिनट में इस तरह के चैनल आर्ट को कैसे बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं तो खुद से बना के देने वाला हूँ। ओके, तो मैं झूठ वूट नहीं बोल रहा दोस्तों, मैं आपको सच में बना के दूंगा। कहने का सेंस ये है कि मैं आपको पूरा चैनल आर्ट बना हुआ दूंगा, बस दोस्तों आपको अपना वहाँ पे लोगो डालना है और अपने चैनल का नाम डाल के नीचे डिस्क्रिप्शन देना है। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा पूरी तरह से आपका चैनल बैनर तैयार और बहुत ही अट्रैक्टिव। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपका चैनल आर्ट बन के रेडी हो जाएगा, जो कि मैं खुद से बना के रखा हूँ। बस दोस्तों आपको यहाँ पे अपना लोगो डालना है और यहाँ पे आपका चैनल का नाम डालना है। तो इसी बात पे दोस्तों वीडियो पे लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, मजाक कर रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक दिया गया, वहाँ पर जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। आप सोच रहे हो कि मैं जा रहा हूँ यार डाउनलोड करके इसे कंप्लीट कर देता हूँ, वैसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसे डाउनलोड करके आपको यूज कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको गैलरी में ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से शेयर करना है, और शेयर करके दोस्तों आपको भेज देना है पिक्सल लैब एप्लीकेशन में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सल लैब। अगर आपके पास नहीं है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मेट होगा शेयर करने के बाद। यहाँ पे नीचे से बाइक कर लेना है, बाइक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओके करने का ऑप्शन बोलेगा, तो इसे आपको ओके करना है। ओके करते ही दोस्तों आपका ये फॉर्मेट खुल जाएगा बिल्कुल एक चैनल आर्ट की तरह। उसके बाद दोस्तों मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। तो दोस्तों मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ, बीच में थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ गया उसको मैं हटा देता हूँ, तो मैं इसे रोटेट कर देता हूँ जिससे कि दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस रोटेट करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको एक प्लस वाला आइकन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको चैनल का नाम तो भी तो देना है। यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद साइड पे यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ए वाले एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों उसमें टेक्स्ट को हटा देना है। हटाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे देना है, जो कि आपके चैनल का नाम है। नाम देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप डन कर लीजिए। यहाँ पे जैसे कि मैं डन कर रहा हूँ, तो मैं पूरा यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे दिया हूँ, तो जल्दी जल्दी से मैं दे देता हूँ। उसके बाद ऊपर एक टी यहाँ पे ऑप्शन दिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये पूरी तरह से क्या बोलते हैं कैपिटल लेटर में हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं ए वाले ऑप्शन पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं, तो कलर हम लोग दोस्तों यहाँ पे ब्लैक रखेंगे, तो यहाँ से हम लोग दोस्तों ब्लैक पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक करने के बाद हम लोग ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसे थोड़ा सा बोल्ड करने होगा, क्योंकि बोल्ड नहीं करोगे तो स्टाइलिश नहीं लगेगा। बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्लिक करना है। उसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों ये पूरी तरह से हमारा बोल्ड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम लोग कलर थोड़ा सा और भी चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पर डबल कलर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों GPS YT हम यहाँ पर लिखा हूँ, तो GPS को हटा के सिर्फ और सिर्फ YT को सेलेक्ट करके दोस्तों यहाँ पर मैं अपने दूसरे कलर को चेंज कर लेता हूँ, जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इस कलर को देता हूँ, उतना अच्छा नहीं लगा तो मैं इस कलर को दे देता हूँ, जो कि देख सकते हो GPS YT काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं जल्दी में बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए दोस्तों मैं उतनी तरह से मेहनत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही बेस्ट बनाना है। उसके बाद दोस्तों आपको टेक्स्ट लेना है फिर से। उसके बाद चैनल का डिस्क्रिप्शन लिखना है, मतलब कि आपके चैनल का टॉपिक क्या है, जिससे कि लोगों को समझ में आए। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे YouTube टिप्स एंड अर्निंग, या फिर कुछ भी लिख सकते हो आपका जो चैनल है उसी हिसाब से। तो यहाँ पर मैं देता हूँ YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स। देने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ट्रिक्स का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ट्रिक का स्पेलिंग दे देता हूँ। डन करता हूँ, उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग को इसको कैपिटल लेटर में कर लेना है। कैपिटल लेटर में करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस वाले टेक्स्ट का भी यहाँ पे कलर को चेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों ब्लैक कलर को रखता हूँ, आप भी चाहो तो कोई भी कलर को ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लैक कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको लाइट करता हूँ। लाइट करने से दोस्तों ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, तो आपको भी यहाँ पर लाइट कर लेना है। लाइट करने के बाद नीचे से डन कर लेना है। डन करने के बाद ऊपर ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हम लोग को साइज़ को कम करना पड़ेगा, क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा था, तो 20% के आसपास हम लोग को साइज़ रखना है। उसके बाद ओके करके इसे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने से ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो लास्ट स्टेप है दोस्तों हम लोग को यहाँ पर लोगो लगाना। लोगो लगाने के लिए ऊपर वाले आइकन पर, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों हमारा गैलरी के सारे फोटोज यहाँ पे खुल जाएंगे। तो आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पे अपने चैनल का कोई लोगो लगा सकते हो या फिर कोई फोटो को भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं दोस्तों यहाँ पे इस वाले फोटो को ले लेता हूँ। नीचे दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा राउंड सा सर्कल सा, उसे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है अपने फोटो के हिसाब से, बिल्कुल एक लोगो की तरह यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे एक प्लस वाला आइकन पे क्लिक मिलेगा। यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे राइट साइड देख सकते हैं एक प्लस वाला आइकन मिलेगा, उसको यहाँ पे क्लिक करना है। उससे पहले इसको आपको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों ये पूरी तरह से खुल जाएगा बिल्कुल एक लोगो की तरह। उसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर में एडजस्ट करके रख लेना है। रखने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मैं इसे जल्दबाजी में बना रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आगे पीछे हो जा रहा है, लेकिन दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे समय से अच्छे तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो लास्ट स्टेप में दोस्तों आपको करना क्या है, अब इस वाले लोगो को दोस्तों बाहर से आपको शैडो देना है। शैडो देने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक शैडो का ऑप्शन मिलेगा, इसे इनेबल करना है। ब्लर रेडियस को आपको 25 करना है और ऑफसेट एक्स को यहाँ पे दोस्तों 5 करना है और ऑफसेट वाई को यहाँ पे 5 करना है। दोनों को 5-5 करने के बाद आपको डन करना है। डन करने के बाद आपको देखने के लिए लग रहा होगा काफ़ी अट्रैक्टिव आपका यहाँ पे चैनल आर्ट बनके रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा, सेव एज इमेज का ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिफॉल्ट का नीचे ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को इसे वेरी हाई में सेव करना है, ताकि दोस्तों आपका ये फोटो है काफ़ी हाई क्वालिटी में बन जाए। सेव करने के बाद दोस्तों आपको सेव इन गैलरी में कर देना है, उसके बाद आपका ये सेव हो जाएगा।